मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव. एप्लीकेशन होता है प्रार्थना पत्र, सिक लीव होता है बीमारी की छुट्टी. स्टूडेंट्स, बीमार तो सभी पड़ते हैं, और अगर आपको बीमारी के लिए छुट्टी लेनी हो तो आप अपने प्रिंसिपल सर को कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे. द प्रिंसिपल, तो इसमें टी आपको कैपिटल लिखना है और प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल होना चाहिए. द प्रिंसिपल आर्यन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोटा. तो इसमें स्टूडेंट्स आर्यन का ए बड़ा होगा, पब्लिक का पी बड़ा होगा, सीनियर का एस बड़ा होगा, सेकेंडरी का एस बड़ा होगा और स्कूल का भी एस कैपिटल होगा. ओके, और नीचे आएगा भोटा, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो भोटा में है. तो द प्रिंसिपल आर इन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोटा, इसमें हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. और आगे आएगा सर, एस आई आर सर. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने ये लेफ्ट साइड को लिखा है तो आप भी इसको लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे और ये इसी तरह से आएगा पैटर्न. ऐसा नहीं है कि आपने बीच में से लिखना स्टार्ट किया, जैसे द प्रिंसिपल आपने बीच में लिख दिया, आर इन पब्लिक आपने यहां पर लिख दिया, तो ये रॉन्ग पैटर्न है. तो आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूं. नेक्स्ट आएगा सर. आई विश टू से दैट आई एम इल टुडे. आई विश टू से दैट, मैं या कहना चाहती हूं या मैं कहना चाहता हूं आई एम इल टुडे. टुडे होता है आज, कि मैं आज बीमार हूं. So I cannot come to school. So इसलिए I cannot come to school, मैं स्कूल नहीं आ सकता या मैं स्कूल नहीं आ सकती, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती. Kindly grant me leave for one day. Kindly, कृपया, grant me leave for one day, मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें, मतलब मुझे एक दिन की छुट्टी दे. तो इस तरह से आएगा ये. आई विश टू से दैट आई एम इल टूडे. जब भी फुल स्टॉप आएगा यहां पर तो नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा. सो के बाद कॉमा आएगा. आई कैन नॉट कम टू स्कूल. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे. तो स्टूडेंट्स आपका अगर वन डे यहां पर भी खत्म होता है तो नेक्स्ट जो लाइन होगी आपकी योर्स ओबीडेंटली वो यहां से स्टार्ट होगी. चाहे आपका वर्ड यहां पे खत्म हो जाए, फिर भी आपका ये जो है योर्स ओबीडेंटली, ओबीडेंटली होता है आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, जैसे बॉयज के लिए आज्ञाकारी और गर्ल्स के लिए ये होता है आज्ञाकारिणी. Yours obediently. तो स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन हम इसको कैसे लर्न करेंगे. O B E D I E N T L Y. O B E D I E N T L Y. Obediently. और स्टूडेंट्स यहां पर आगे आएगा नेम. तो आपने अपना अपना नाम लिखना है. मैंने ये प्लेस इसीलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि जो भी आपका नाम है बॉयज का गर्ल्स का वो अपना नाम यहां पर खुद लिखेंगे. क्लास, आपकी क्लास कौन सी है, सभी की क्लास सेकंड है तो यहां पर मैंने सेकंड लिखा हुआ है. रोल नंबर, तो स्टूडेंट्स आगे आएगा रोल नंबर. आपका क्या रोल नंबर है वो आपने यहां पर लिखना है. नेक्स्ट आएगी डेट, क्या तारीख है, कौन सी डेट है. तो आज है 9 अक्टूबर 2020. तो आप ये एप्लीकेशन जब भी लिखेंगे तो आप यही डेट नहीं डालेंगे, आप डेट डालेंगे
जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए तो आपने यहाँ पर वो डेट लिखनी है, चाहे वो जनवरी में लेनी हो, मार्च में लेनी हो, या अक्टूबर में लेनी हो, या दिसंबर में लेनी हो, तो आपको वही डेट, वही मंथ और वही ईयर लिखना होगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन का इस तरह से ये पैटर्न रहेगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको इसे लिखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। द प्रिंसिपल आर्यन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोटा। सर, आई विश टू से दैट आई एम इल टुडे, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। ओके, योर्स ओबीडेंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस एप्लीकेशन को अपनी कॉपी पे लिखना है और रीड भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।